अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर फ्रॉम कलरफुल मिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू गेट एडमिशन इन AMC। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि आप AMC में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट AMC में एडमिशन सिक्योर करने के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किन बेसिस पे आपको AMC में MBBS और BDS में एडमिशन दिया जाता है। सबसे पहले 5 किस्म के कैडेट्स होते हैं, मेडिकल कैडेट्स, पेइंग कैडेट्स, एडिशनली सिलेक्टेड कैडेट्स, फॉरेन कैडेट्स एंड नम्स कैडेट्स। सबसे पहले अगर हम मेडिकल कैडेट्स की बात करें तो मेडिकल कैडेट्स वो कैडेट्स होते हैं जिनका फुली फंडेड MBBS होता है, उनकी कोई फीस नहीं होती, उनको हर मंथ 63,000 स्टाइपेंड दिया जाता है जिसमें से 18,000 या इससे ज्यादा हॉस्टल और मेस का बिल होता है और राउंड अबाउट 45,000 उन्हें आर्मी पे करती है। इनका नर्म्स टेस्ट देना जरूरी नहीं है। मेडिकल कैडेट्स के अपना टेस्ट होता है, अपना उनका सारा प्रोसीजर होता है, उनका इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल में उनकी एक एक चीज देखी जाती है, वेट, हाइट, BMI। अगर वो फिजिकली फिट हों फिर ही उन्हें एज अ मेडिकल कैडेट आर्मी में एडमिशन दिया जाता है। मेडिकल कैडेट्स के टेस्ट में डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस होता है, इसके अलावा आपका कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाता है जिसके 3 फेजेस होते हैं। वो डिफरेंट किस्म के टेस्ट आपको आर्मी बताती है, आपकी डेट आती है, आप टेस्ट देते हैं। अगर एक टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपका दूसरा टेस्ट स्क्रीन पे शो होता है, दूसरे को आप क्लियर करते हैं तो तीसरा। अगर वो आप तीनों टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू आप क्लियर कर लें, आपका मेडिकल होता है और मेडिकल CMH से होता है। अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट समझते हैं और अपने आप को समझते हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है वहां पे, आप हर टेस्ट वहां के क्लियर कर लेंगे तो आप एज अ मेडिकल कैडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेडिकल कैडेट्स में सिर्फ और सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। 2012 से पहले गर्ल्स इसमें अप्लाई किया करती थी और वो AMC से कैप्टन डॉक्टर बना करती थी, लेकिन 2012 के बाद गर्ल्स की सीट्स एज अ मेडिकल कैडेट्स खत्म कर दी गई हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। आप आर्मी की वेबसाइट www.parkarmy.gov.pk पे विजिट कर सकते हैं, उस पर मेडिकल कैडेट की जब एडमिशन की डेट आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वहां के टेस्ट क्लियर करके वहां पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेइंग कैडेट्स। पेइंग कैडेट्स वो कैडेट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी को सर्व कर चुके होते हैं, नो मैटर उनका रैंक क्या हो, उनके पेरेंट्स का मदर या फादर का आर्मी में सर्व करना जरूरी है। रिटायर हों, शहीद हों, इन सर्विस हों, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की फी होती है लेकिन उन्हें रिफंड कर दी जाती है, मतलब उन्हें वापस कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स का आर्मी में रैंक हाई है तो आपको कम पोर्शन, जो फी का पोर्शन हाफ पोर्शन है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर कोई सपाही है उनके बच्चों की फीस आधी से ज़्यादा रिफंड कर दी जाती है, मतलब जितना छोटा रैंक होता है उतनी ही ज़्यादा आपको फ़ी रिफंड होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग अप्लाई करेंगे जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पेइंग कैडेट्स की AMC एज वेल एज डिफरेंट CMH में सीट्स होती हैं। इसी तरह मेडिकल कैडेट्स की भी AMC में भी सीट्स होती हैं और CMH भावलपुर, लाहौर, खारिया, मुल्तान वगैरह में भी इनकी सीट्स होती हैं। पेइंग कैडेट्स में अप्लाई करने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ये होता है कि आप नर्म्स टेस्ट के लिए जब अप्लाई कर देते हैं आपका रोल नंबर आ जाता है। रोल नंबर आने के बाद आप GHQ से पेइंग कैडेट्स का फॉर्म लेते हैं। रोल नंबर आने के बाद इसलिए लेना होता है क्योंकि उस पेइंग कैडेट्स का फॉर्म है जो आप GHQ से लेंगे उसमें आपका रोल नंबर का एक बॉक्स होता है, आपने उसमें रोल नंबर फिल करना होता है। इसलिए जब आपका रोल नंबर आ जाता है आप उसे लेते हैं, आप उसे फिल करते हैं और उसे GHQ सेंड कर देते हैं और इस तरह आपका एज अ पेइंग कैडेट अप्लाई हो जाता है। आप नम्स देते हैं, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको एज अ पेइंग कैडेट्स आपका एडमिशन हो जाता है। एज अ पेइंग कैडेट्स आपका कोई मेडिकल, कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट देना होता है, नम्स टेस्ट। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। आपका कोई प्रोसीजर मेडिकल कैडेट्स की तरह नहीं होता, फिजिकल फिटनेस ज्यादा नहीं देखी जाती। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडिशनली सिलेक्टेड कैडेट्स।
ये कैडेट्स सेम पेइंग कैडेट्स की तरह होते हैं, लेकिन जो इनका मेरिट है वो पेइंग कैडेट्स से 1-2% लेस होता है। इनका सेम प्रोसीजर पेइंग कैडेट्स की तरह ही होता है। फॉरेन कैडेट्स, फॉरेन कैडेट्स वो कैडेट्स होते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट अपनी FSC आउट ऑफ कंट्री की हो और वो यहाँ पे आके अप्लाई करें, तो उनको कोटा बेस उनको सीट्स मिल जाती हैं। उसके बाद आते हैं नम्स कैडेट्स, वो तमाम स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स आर्मी में नहीं हैं, जो एज अ मेडिकल कैडेट्स अप्लाई नहीं कर रहे, वो नम्स देते हैं और उनका एज अ नम्स कैडेट AMC या डिफरेंट CMH में एडमिशन हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि कैप्टन डॉक्टर बनते हैं या नहीं। एज अ पेइंग कैडेट और एज अ नम्स कैडेट हम कैप्टन डॉक्टर बन रहे होते हैं, सिंपल हम डॉक्टर बन रहे होते हैं। ये बात क्लियर कर लीजिए, जो मेडिकल कैडेट्स होते हैं उनका कैप रैंक होता है, वो कैप्टन डॉक्टर होते हैं, उनका 13 ईयर्स का बॉन्ड होता है आर्मी के साथ, उन्हें 13 साल आर्मी को सर्व करना होता है। कैडेट्स गर्ल्स का कोई आर्मी के साथ बॉन्ड नहीं होता, लेकिन एज अ पेइंग कैडेट्स बॉयज़ का 3 साल का बॉन्ड होता है, लेकिन ये कैप्टन डॉक्टर नहीं होते। इसी तरह नम्स कैडेट्स भी कैप्टन डॉक्टर नहीं होते। और यहाँ पे ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट्स का आर्मी यूनिफॉर्म होता है या जो सादा यूनिफॉर्म है वो होता है। AMC में जो पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट्स हैं उनको हफ्ते में 2 दिन आर्मी यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त होती है, लेकिन बाकी तमाम जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आर्मी के, CMH वगैरह, उनमें कोई आर्मी यूनिफॉर्म नहीं होता इन कैडेट्स का। सिंपल वाइट यूनिफॉर्म होता है, उसके ऊपर वाइट कोट होता है। नम्स कैडेट्स को भी पेइंग कैडेट्स की तरह सिर्फ और सिर्फ नम्स का टेस्ट देना होता है, बाकी कोई मेडिकल और कोई इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो AMC में 2-3 लाख पर ईयर फीस होती है और बाकी CMH में 10-12 लाख पर ईयर MBBS की फीस है। अगर आपका मेरिट ज़्यादा बन रहा है तो आपको AMC में एडमिशन दे दिया जाएगा एज अ नम्स और एज अ पेइंग कैडेट्स, लेकिन अगर आपका जो मेरिट है वो थोड़ा सा कम बन रहा है तो आप बाकी CMH में आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कर दी जाएगी डिफरेंट CMH में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट सिटीज़ में CMH हैं, CMH लाहौर, CMH भावलपुर, खारियां, मुल्तान वगैरह। यहाँ भी एक और सवाल जहन में आता है कि अगर नम्स और पेइंग कैडेट्स कैप्टन डॉक्टर नहीं होते तो वो किस तरह कैप्टन डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं, आप जब 5 साल MBBS AMC या CMS से कर लेते हैं तो GDMO में सीट्स आती हैं, आप उसमें अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपका टेस्ट होता है इंटेलिजेंस बेस्ड और स्टडीज बेस्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकल कैडेट्स थे, उनका सारा पहले टेस्ट था, फिर इंटरव्यू था, फिर मेडिकल था, इसी तरह आपका भी सारा प्रोसीजर होगा। अगर आप वो सब चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, आपकी 6 माह की ट्रेनिंग होगी और आपको कैप रैंक दे दिया जाएगा, आप कैप्टन डॉक्टर बन जाएंगे। अगर हम एग्रीगेट फार्मूला की बात कर लें तो 2021 तक MD कैट 50% वेटेज रखा करता था AMC में एडमिशन की एग्रीगेट फार्मूला में, लेकिन 2022 में उन्होंने MD कैट की वेटेज निकाल दी है। अब MD कैट AMC में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जो 2022 का एग्रीगेट फार्मूला था उसमें 50% नम्स, 40% FSC और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स ऐड किए गए थे। तो अगर आप FSC और मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ले लें और नम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें तो आप AMC या किसी अच्छे से CMS में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलें, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।